रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے کر غور ہاتھ دیاں انگلیاں تے کر غور ہاتھ دیاں انگلیاں تے हर एक विच फर्क जरूर है कर गौर हाथ दिया उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है इंज फर्क सारी दुनिया विच कोई जालिम ते कोई मजबूर है कोई मर गया किसे दे प्यार विच कोई बिल्कुल ही मगरूर है कोई मुखलिस दिल विच वसदा है कोई अख दी पहुंच तो दूर सामईन मोहतरम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो भाइयो काबिले कदर प्यारे नौजवान साथियों पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इज्जतमंद इस्लामी रूहानी माओ बहनों हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क वास्ते जो कुल कायनात दा खालिक मालिक राजिक
बिगड़ी बनान वाला है, डुबियां तराण वाला है, बेशुमार अनगिनत ला तदा दुरूद सलाम इमामुल कुल फखरुर रसुल हादी सुबुल खत्मुर रसुल इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम दी जाते मुबारका आप दी जाते ग्रामी वास्ते साहेबो अजीज साथियों प्यारे भाइयो अल्लाह पाक दी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद दो मुकामात तुसा अहबाब ने इस वक्त तलावत समात कीती है। 21वां पारा सूरह लुकमान 18 नंबर आयत और 25वां पारा सूरतुल जासिया दी आखरी आयत करीमा तुसा अहबाब दे सामने इस वक्त 37 नंबर खुतबा मसनूना दे अंदर तलावत कीती जा चुकी है। इन्हां दोनों आयात बयानात दी रोशनी अंदर आज एक बहुत खतरनाक और इंतहाई कभी और एक बहुत बुरी अखलाकी बीमारी का तुहाडे सामने जिक्र किया जाएगा। दुआ करो अल्लाह सानू अकायद दे नाल नाल आमाल अखलाक दी भी इसलाह दी तौफीक अता फरमाए। हजरात बेशुमार बीमारियां ने इस दुनिया के अंदर कुछ बीमारियां जिस्मानी ने कुछ रूहानी ने कुछ अखलाकी ने। जिस्मानी बीमारियां दे वास्ते असी पल भी नहीं सहिंदे फौरन स्पेशलिस्ट दे नाल रुजू करने आ, लेकिन अखलाकी बीमारियां रूहानी बीमारियां दे इलाज वास्ते असी बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह नजर आ रहे हैं। और दुआ करो अल्लाह हर मुसलमान नू जिस्मानी और रूहानी अखलाकी बीमारियां तो भी महफूज़ो मामून फरमाए। हजरात ओ अखलाकी बीमारी क्या है जेड़ी बंदे नू लग जाए तो बंदे दे कुछ भी पल्ले नहीं रहन देंदी। अगर ये बीमारी दिमाग अंदर आ जाए दिमाग दा बेड़ा गर्क, ये अखलाकी कभी फेल और ये रोग अगर बंदे दे दिल नू लग जाए ते दिल बर्बाद होके रह जांदा है। ओ क्या है कि बंदा तकबर करन लग जाए, गुरूर अंदर आ जाए, अकड़ अंदर आ जाए, फखर करन लग जाए, मान करन लग जाए, मैं बड़ा कुछ हाँ, मैं फुलावा, मैं फुलावा, मेरी नस्ल बहुत बड़ी है, मेरी बरादरी बहुत बड़ी है, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मेरा स्टेटस बहुत ज्यादा है, मेरे को दौलत बहुत ज्यादा है, मेरी औलाद बहुत ज्यादा है, मैं पूरे इलाके का जागीरदार हाँ, मैं पूरे इलाके का सरमायादार हाँ, मैं पूरे पिंड का नंबरदार हाँ। हजरात दुआ कर अल्लाह इस बीमारी तो महफूज फरमाए। जिस बंदे नूं ए बीमारी लग जाए, ए रोग लग जाए, तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए, फखर दिल दे अंदर पैदा हो जाए, बंदे दा बेड़ा गर्क करके रख दिए कर दिए। और याद रखना तकब्बुर दा अंजाम खतरनाक होया कर दे। दना लोग कह गए, सियाने लोग सियानियां बातां कर गए, बुरे काम दा बुरा नतीजा, बुरे काम दा बुरा नतीजा। इस वास्ते आइए मेरे भाइयों दोस्तों मेरी माओ बहनों, आज एक खाकसार तालिब इल्म को तकब्बुर का इंजाम आज दा उनवान मौके महलब दी मुनासबत नाल सुन के ले जाइए। मुसलमान गुरूर कर दे नजर आ रहे, तकब्बुर कर दे नजर आ रहे। हजरात कादा माने मैं शुरू अंदर बात तुहानू समझा जावां, ए गल्लां पल्ले बनणियां ने, शायद खुतबे अंदर दोबारा दोहरान दा मौका ना मिले। बंदिया मान कादा है कि किस चीज दा मान करना है, तेरा पहला गुसल भी कोई देंदा है ते आखरी गुसल भी कोई देंदा है, ते तकब्बुर किस बात दा है, हैं? फिर अगली बात सुनिए, जनाजा चौधरी दा होए, जनाजा फकीर दा होए, जनाजा अमीर दा होए, अगली मंजिल मिट्टी दा कब्रस्तान है, तकब्बुर किस बात दा है। हजरात जनाजा महल चो निकले
या जनाजा झोंपड़ी चो या कखां दी कुली चो निकले, मंजल कब्रस्तान ए मिट्टी दा कारे तकब्बुर किस बात दाए। हजरात गौर करिया करो, तवज्जो करिया करो, दनाल लोग कहिंदे ने, दनाल लोग कहिंदे ने, नीवे नू फल बहुता लगे, नीवे नू फल बहुता लगे, ए गल हर कोई जाने, उच्चे रुख सरू दे एवें बिन फल दे रहन नुमाने। उच्चियां नू कोई नहीं पुछदा। हजरात जरा गौर करना, तवज्जो करना, तकब्बुर क्या है और तकब्बुर दा इंजाम किए। बस ऐ चंद बातां चंद मिनटां दे अंदर मैं पेश करनियां ने। इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाले वसल्लम दे सीने पाक ते अल्लाह पाक ने अपना पाक कलाम नाजल फरमाया है। मालिक कायनात ने फरमाया वाला उल किब्रियाउ फिस्समावाति वल अर्दी वहुवल अजीजुल हकीम। ए दुनिया कायनात दे रहने वालो, कायनात दियां सारियां बड़ाइयां, कायनात दियां सारियां अजमतां ते उचमां ते शानां अल्लाह पाक नूं फबदियां ने। किनूं फबदियां ने? अल्लाह पाक नूं सजदियां ने। बंदिया तेनूं गुरूर नहीं फबदा, बंदिया तेनूं मान नहीं फबदा, तू फखर करें तेनूं ये गल चंगी नहीं लगदी। ये ते ओनूं फबदे ने जिहड़ा सारियां नूं खिलाण वाला है, जिहड़ा सारियां नूं रोजियां पहुँचाण वाला है। मुसलमान तकब्बुर क्या है? मालिक कायनात ने कुरान पाक अंदर इमाम कायनात ने इस्लाम ने मसले खोल के बयान फरमा दिते। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान फरमा रहे, अल्लाह दा कुरान बोलियां पे बोल दे वालहुल किब्रियाउ फिस्समावाति वल अर्ज। ए दुनिया कायनात दे रहने वालो, जमीन ते भी ते आसमाना ते भी उच्ची शान अल्लाह पाक दिए, उच्ची जात अल्लाह पाक दिए। बड़ाई अल्लाह वास्ते, अजमत अल्लाह वास्ते, शान अल्लाह वास्ते, मुकाम अल्लाह वास्ते। वहुवल अजीजुल हकीम। मुसलमान ना अल्लाह जबरदस्त गालिब हिकमत वाला है। तवज्जो फरमा लेना, गौर कर लेना। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर दी बड़ी प्यारी आसान ते सौखे लफ्जा के अंदर तारीफ बयान फरमाई है ना। तकब्बुर किबर तो में अल मुतकब्बिर अल कबीर अल मुताल बुलंदी वाला बड़ाई वाला अजमत वाला। मुसलमान नजर गलते गौर कर लेना, तवज्जो फरमा लेना। एक दिन इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मसला बयान फरमाया। मुस्लिम शरीफ के अंदर 265 नंबर हदीस से मुबारक मौजूद है। आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी कल्बी मिसकाल दर्रति मिन किबरिन। आपने फरमाया जिदे दिल दे अंदर एक राई दे दाने दे बराबर भी तकब्बुर पाया जाएगा, जन्नत नहीं जावेगा, जन्नत नहीं जावेगा। मेरे महबूबे करीम इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोलो सवाल कीता गया, महबूब सोणियो एक बंदा चांदा, एक बंदे दा दिल करदा है इन रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबुहु हसनन व नअलुहु हसनन। मेरे महबूब सोणियो इधर मसला ते समझा दियो ना। एक बंदे दा दिल करदा है मेरा कपड़ा चंगा होवे, मेरी पोशाक चंगी होवे, मेरे पैरी जुत्ती जरा वावा टोर टार वाली ब्रांड वाली होवे, मैं सोहना लगा, मैं प्यारा लगा। आपने फरमाया तकब्बुर नहीं, ए तकब्बुर नहीं। सोना कपड़ा पाना, सोनी जुत्ती पाना, शान नाल ठाठ बाठ ना रहना, खूबसूरती बना के रखना, ए ते तकब्बुर नहीं होया करदा। एक बंदा इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ गया है, परा गंदा बाल ने, पाटे कपड़े पाए ने, मैला जिहा लिबास, हालात बिगड़े बिड़े ने। आपने फरमाया तेरे कोल खान दा आटा कोई नहीं, तेरे कोल तन ते पाण नूं कपड़े कोई नहीं। कहिंदा महबूब सोने सारा कुछ ही मौजूद है। आपने फरमाया जदों रब ने दिता है तो फिर इजहार करया कर,
रब ने दिता है ना, फिर सोने कपड़े पाया कर, अच्छी जुत्ती पाया कर, अपने बालों नु संवार के रखिया कर। मुसलमान ना जरा मसला अधूरा ना निकल जाए, बात दूर ना निकल जाए। महबूब सोने हो, एक बंदा चाहता मेरा कपड़ा चंगा होवे, मेरी जुत्ती चंगी होवे, साफ शफाफ लिबास साफ सुथरा पहने होए। आपने फरमाया जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है ते खूबसूरत नु अल्लाह पसंद करता है। महबूब सुने फिर तकबर क्या है, इत्थे भी एक मसला निकल आया, वह भी समझ लो। मेरे महबूब ने फरमाया चंगा कपड़ा पाना, चंगा जूता पहनना, ए तकबर नहीं। मगर जेड़ा बंदा, जेड़ा भी बंदा, चाहे छोटा है आलम है या आम आदमी है, कोई बड़े रुतबे वाला है, कोई छोटे रुतबे वाला है, कोई छोटी बरादरी वाला है, कोई उच्ची फैमिली वाला है, जेड़ा बंदा शोहरत की नीयत नाल, शोहरत की नीयत नाल लिबास पाएगा जनाब, मार मेरे लिबास दियाँ तारीफा होना, इंज लगे लोगों के जो मैं पा सकना होर कोई पा ही नहीं सकता। आपने फरमाया इतने जरा मसला समझने की गल, ए नीयत ए इरादा के जो मैं पा सकना, मेरे वर्गे ब्रांड कोई नहीं पाता, मेरिया जुतियां बड़िया आला, मेरी पग बड़ी आला, मेरा पोशाक बड़ी आला। आपने फरमाया जेड़ा बंदा इस नीयत नाल दुनिया ते चंगा लिबास पाएगा, क्यामत वाले दिन अल्लाह इनू जिल्लत ते रुसवाई दा लिबास पहना देवेगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, वाला हुल किबरियाऊ फिस्समावाती वल अर्दी वहुवल अजीजुल हकीम। मुसलमान ना जरा गलते गौर कर ले, तवज्जो फरमा ले, तकब्बुर दी तारीफ ते अजे अधूरी बाकी है। मेरे महबूब ने इत्थे मसला खोल के बयान फरमा दिता है। आपने फरमाया मेरे साहबा ओ मेरी उम्मत दे लोगो, तकब्बुर असल दे अंदर इनू कहिंदे ने बतारुल हकी व गमतुन्नास, हक बात नू ठुकरा देना ते लोकां नू घटिया समझना, इनू तकब्बुर कहिंदे ने। हक बात नू ठुकरा देना ते लोकां नू कमतर, अपने तो नीचा, अपने तो हौला, अपने तो नीवा समझना, अपने आप नू आला ते बाला ते अरफा ते उच्चा समझना। मेरे महबूब ने फरमाया इनू तकब्बुर कहिंदे ने, इनू तकब्बुर कहिंदे ने। आओ जरा गौर करो, तकब्बुर अल्लाह नू फवदा है जिहड़ा कुल कायनात नू पिलाण वाला है, तकब्बुर अल्लाह नू फवदा है जिहड़ा कुल कायनात नू रोजियां पहुंचाने वाला है। अल्लाह पाक नू तकब्बुर फबदा है जिन्हें ए जमीनो समार बना के बंदियां नू बादशाहियां दे छड़ियां मर्जियां अपनियां पे कर देने, ए तकब्बुर उस रब नू फबदा है। मेरा तेरा ते सामी अपना नहीं ना, मेरियां तेरियां उचमा का दियां शाना का दियां। जेड़े वीर लेट आए, मैं दोबारा जुमला दुरा दिया, दोबारा सबक वास्ते मसला समझा दिया ना। जनाजा अमीर दा होए, जनाजा गरीब दा होए, मंजिल कब्रिस्तान है तकब्बुर किस बात दा है, जनाजा छोटे दा है, जनाजा एमपीए ते एमएनए ते मुल्क दे सदर ते वजीर ते जनाब कुल कायनात दे अद्धे मुल्क दे बादशाह दा है, पूरी मुल्क दे बादशाह दे सदर दा जनाजा क्यों ना है। चाहे सदारती महल विचों जनाजा निकले या जनाब एक सियालकोट दी आम जी कुली कोठी ते गुजरांवाले दे, एक कल्लू जनाब कखां दी कुली विचों जनाजा निकले, इन्हां दोवां दी मंजिल कब्रस्तान है कच्चा मिट्टी दा घर है। तकब्बुर किस बात दा है, बंदे आते ना ते साह भी नीचे चला जाए, तू इस बात में कदर नहीं के अपना साह भी उत्ते ले आ सके। अल्लाह पाक की फरमा रहे मुसलमान ना तवज्जो फरमा ले, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे नु वसीयत कर दिया, अपने बेटे दी ने तरबियत कर दिया होया मसला बयान कर दिता है। एक गल भी अल्लाह पाक दे कुरान ने दसी है, 21वां पारा सूरे लुकमान 18 नंबर है, ऐलान कर रही हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। आपने फरमाया ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे बेटा, मेरी गल याद कर ले, मेरी नसीहत नू पल्ले बन लेना। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगां दे वास
वास्ते अपने पहलू नू अपने रुखसारा नू फुला फुला के गल्ला ना करिया कर। वड्डे वड्डे बोल जुबान चो मूंह डिंगा डिंगा करके एवं वड्डियां वड्डियां गल्ला ना करिया कर। जिवें अज साडे सियासी जलसियां च हो रहा है, वेख रहे हो ना, वड्डियां वड्डियां गल्लां ते पल्ले कख भी नहीं, पल्ले कुछ भी नहीं, पाई पाई दे मोहताज ने, एक एक परची दे मोहताज। गल्लां वड़ियां वड़ियां गल्लां वड़ियां वड़ियां। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे नूं फरमाया, मूँह खोल खोल के मूँह डिंगा कर करके एवें लोगां दे सामने वड़ियां वड़ियां गल्लां नहीं करनियां। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, फखरिया अंदाज नाल अकड़ के गुरूर दी चाल नहीं चलनी। जनाब डिंगियां डिंगियां उचियां उचियां चालां नहीं मारनियां। जमीन ते आए सा अंदाज नाल चलना, सोने अंदाज नाल चलना है। मुसलमान अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फकूर। बेशक अल्लाह इतरान वाले नू, फखर करन वाले नू, मान करन वाले नू, गुरूर करन वाले नू, तकबर करन वाले बंदे नू पसंद ही नहीं फरमाया करदा। तीसरा मुकाम अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर पांचवा पारा सूरत उन्निसा 36 नंबर है ते आखरी से अंदर की फरमाया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। बेशक अल्लाह तकबर करने वाले नू, फखर करने वाले नू, मान करने वाले नू, गुरूर करने वाले नू कदे भी पसंद नहीं फरमाया कर दे। मुसलमान नू मसला बड़ा प्यारा आया, तकबर किन्नू फबदा, अल्लाह पाक नू फबदा है। जिदा नाम ही अल मुतकब्बिर है, जिदा नाम ही अल मुतकब्बिर है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया 28वां पारा सूरह अल हशर मुसलमान 22, 23 और 24 नंबर आयत आखिरी आयात हर मुसलमान नू तकरीबन याद ने, वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबी वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल्लाह पाक नू बड़ाइयां फबदियां, अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुबहानल्लाही अम्मा युश्रिकून। अल्लाह पाक ए बढ़ाइयां अल्लाह पाक नू फबदियां ने। अगली बात सुनो जड़ी इस तो भी ज्यादा हला के रख देन वाली। इमाम कायनात अली इस्लाम ने फरमाया अबू दाऊद के अंदर 4090 नंबर हदीस मुबारक मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया, ए मेरी गल नहीं बल्कि मैं रब की गल कापी करके नकल करके सुना लगा। मैनू मेरे रब ने फरमाया मैं अपनी उम्मत नू अपनी हदीस मुबारक बना के सुना लगा। अल्लाह की फरमा रहा, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, अल्लाह दे महबूब फरमा रहे, जगह दे पीर इरशाद फरमा रहे, قال الله عز وجل, ऐ मेरी गल जनाब, ऐ शाना वाले अजमता वाले जलाल वाले रब ने मैनु बयान फरमाई है। अल्लाह की फरमांद है, अल किबरिया उरदाई ओ कायनात दे लोगो, तकबर मेरी चादर, तकबर की है ए मेरी चादर, वल अजमत इजारी ते जेड़ी अजमत ते जलाल ते शान ते मुकाम है ओ मेरा इजार है। रिदा ऊपर वाले कपड़े यानी कमीज नू क्या जांदा है, इजार नीचे वाले शलमा शलवार और तहबंद नुमा कपड़े नू बोलिया जांदा है। मुसलमाना इहदी तवील तस्वीर जनाब तफसीर बड़ी लंगी है लंबी है, मैं अपने मजमून की बात तुहानू सुनावा, मसला अगला बयान करा। अल्लाह फरमा रहा, फमन नाज़ानी वाहिदम मिन्हुमा, जेड़ा इन्हां दोवां दे विचों किसे एक नूं भी हाथ पाएगा मैं टुकड़े टुकड़े करके जहन्नम दा बालण बना देवांगा। फका जफ्त हूँ फिन्ना, मैं उन्हूं जहन्नम
जहन्नम दा इन्नन ते जहन्नम दा बालन ते जहन्नम दी नार अंदर सुट देंगा। एक छोटी जी मिसाल मैनू याद आ गई। एक दौर सी मुल्के पाकिस्तान दी तारीख दा, जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हां दा दौरे हुकूमत सी ना। ईरान दा सदर, ईरान दा सुप्रीम लीडर शाहे ईरान पाकिस्तान दे दौरे ते आया। बैनर लग गए, इस्तकबालिया पोस्टर लग गए, बड़ा जनाब वाले हाना इस्तकबाल होए। जिवें अज भी असी इस्तकबाल वास्ते अपने अपने अंदाज ना को फुलां दीआं पत्तियां निछावर करदा है, कोई जनाब बोर्ड अवेजा करदा है, कोई फ्लैक्सां लगांदा है, कोई तरह तरह जिवें जिवें लीडर खुश होना चाहण होवे। वाह जनाब, असी सारे पै कोशिशां करदे आ, मेहनतां पै करदे आ ना मुसलमाना एवें करदियां करदियां शाहे ईरान पाकिस्तान दे दौरे ते आया। इन्ने बैनर वेखे ने, वेखी जा रहे हैं बैनरां ते पोस्टरां ते दीवारां ते वाल चाकिंग लिखिया की है, शाहे ईरान पाकिस्तान आ रहे हैं, कि शाहे ईरान पाकिस्तान आ रहे हैं। भुट्टो दे नाल खाने दी टेबल ते मेज ते बैठ जांदा है, कहिंदा भुट्टो साहब इस्तकबाल ते बड़ा प्यारा होया है, लेकिन लफ्ज तुसा मेरे रुतबे दे मुताबिक नहीं लिखे। अज भी रोला ना, मैं नहीं आना, मेरा नाँ कोई नहीं लिखिया, मैं नहीं आना, मेरा नाँ छोटा लिखिया, मैं नहीं आना तुहाडे प्रोग्राम, मेरा नाँ तुसा एक नुक्कर च वाड़ के लिखिया। पर सुनिया मेरे महबूब ने फरमाया, किन्ने ही ऐसे बेनाम ने जिन्होंने जमीन ते कोई नहीं जानता, लेकिन जन्नता च उन्हां दे रुतबे बड़े ही उच्चे ने। ते कई जमीन ते बड़े बड़े वड्डे ना, बड़े बड़े वड्डे रुतबे ते आसमाना दे तो उन्हां दा नाम लैणा को गवारा नहीं करदा। इन्ने पसंद ना पसंदीदा और गए गुजरे लोग ने मेरा नाम तुसा सोना करके ही नहीं लिखिया। जी तुसी दस दिओ सानू की लिखना चाहिदा सी। कहिंदा तुसा लिखिया शाहे ईरान पाकिस्तान आ रहे हैं, तुसा मेरी इज्जत नहीं कीती, तुसा मेरी तोहीन कीती है। हाँ जी सानू की लिखना चाहिदा सी, तुहानू चाहिदा सी तुसी लिख दे, शहनशाहे ईरान पाकिस्तान आ रहे हैं। भुल गया है बंदा सी, गलती खा गया दिमाग अंदर घुमंड जनाब फकर गुरूर तकबर आ गया है। हालांकि कमले नूं ही पता शहनशाह ते अल्लाह पाके अल मुतकब्बर ते अल्लाह पाके, अल अजीम भी अल्लाह पाके, अल मुताल भी अल्लाह पाके, अजमता वाला भी अल्लाह पाके, सिर्फ तू है सारे जहाना दा मालिक, जमीना सते आसमाना दा मालिक, सिर्फ तू है सारे, सिर्फ तू है सारे जहाना दा मालिक, जमीना सते आसमाना दा मालिक, परिंदे चरिंदे, परिंदे चरिंदे हैवाना दा मालिक, समुंदरा पहाड़ा चटाना दा मालिक, समुंदरा चटाना पहाड़ा दा मालिक, तेरे दर दी मोहताज, तेरे दर दी मोहताज, ऐ सारी लोकाई वाह मेरे अल्लाह तेरी किबरियाई, वाह मेरे अल्लाह तेरी की बनी आई, चप्पा 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 धरती फजावां दा मालिक, जहाना नु पाले गजावां दा मालिक, जहाना नु पाले गजावां दा मालिक, हर एक जी दी सावां दा मालिक, तू बदल होनेरी हवावां दा मालिक, तू बदल होनेरी हवावां दा मालिक, हर चीज उत्ते, हर चीज उत्ते, हर चीज उत्ते तेरी बादशाही, वाह मेरे अल्लाह तेरी किबरियाई, वाह मेरे अल्लाह तेरी किबरियाई, वाह मेरे अल्लाह तेरी किबरियाई।
मुसलमाना शाहे ईरान भुल गया है, दौरा करके वापस अपने मुल्क चला जाता है। एक दौर आया, एक वक्त आया, दुनिया दी अखियां ने देखिया है, लोगों के कन्ना ने खबर अपने कन्ना नाल सुन ली। ओ बंदा जेड़ा कहिंदा सी मैं शैन शावां, ओनू जनाब मौत भी बड़ी जिल्लत वाली, ओदी अखीर भी बड़ी जिल्लत वाली। इस बंदे नू मरदियां दम पानी नसीब नहीं होया, ते अपने मुल्क दी मिट्टी ते कबर भी नसीब नहीं होई। क्यों? इन्हें रब दी चादर नू हत पाया है। अल किबरियां दाई तकबर मेरी चादर है, बड़ाई शान अजमत मेनू फबदा है, बंदे आ तेनू नहीं फबदा। इस वास्ते मैं पैगाम देना चाहना, मैं पैगाम देना चाहना, उच्चे झूला मार दे नीवे रहन अटल, उच्चे झूला मार दे नीवे रहन अटल, जे कुछ लेना ही बंदे आ रब कोलो फिर नीवा होके चल। चल चल चल, समझ आ रही के कोई ना? उच्चे झूला मार दे नीवे रहन अटल, उच्चे झूला मार दे नीवे रहन अटल, जे कुछ लेना ही बंदे आ रब कोलो फिर नीवा होके चल। वलहुल किबरियाउ फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अजीजुल हकीम। जरा गौर कर दे जाओ, तवज्जो कर दे जाओ ना, बंदिया मैनू तेनू तकबर को नहीं फबदा। कादा तकबर? इलम दा तकबर, अल्लाह मुआफ फरमाए। कादा तकबर? जमाल दा तकबर, अल्लाह मुआफ फरमाए। मुसलमाना कादा तकबर? ठाठ बाड़ दा तकबर, अल्लाह मुआफ फरमाए। कादा तकबर? उच्ची बरादरी दा गुरूर ते मान कीती बैठे हाँ, ये बरादरियां भी अल्लाह पाक ने बनाइया। जेड़े मेरे वीर बरादरियां ते इतरांदे ने साडी बरादरी उच्ची, फलाने की बरादरी नीवी है, अल्लाह पाक ने गुरूर खाक अंदर मिला के रख दिता है। अल्लाह पाक ना कुरान 26वां पारा सूरत अल-हुजरात 13 नंबर है तेलान फरमा रही। मालिक कायनात ने मुसलमानों तवज्जो की फरमाया, तवज्जो फरमाओ ना। या अय्युहन्नास خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم। اے کائنات دے لوگو، برادریاں تے فخر جناب، خاندان تے فخر، ذات پات تے رنگ نسل تے فخر کرنے والو، اللہ دا قران کہہ رہیا ہے، اے کل کائنات دے بندیو تے انسانو تے بیبیو تے بابیو، میں تانو ایک مرد تے ایک عورت وچوں پیدا فرمایا ہے، اگو تہاڈیاں ٹولیاں برادریاں خاندان اس واسطے بنائے تاکہ تسی ایک دوسرے نو کماں دی وجہ تو پہچان سکو، پہچان حاصل کر سکو، ورنہ میرے ہاں تکبر دا جناب خاکا جناب کوئی نہیں، میرے ہاں گنجائش کوئی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں رتبہ او دا ہے جدا ایمان زیادہ ہے، جدا تقوی زیادہ ہے، جڑا پرہیزگار زیادہ ہے۔ ولہ الکبریاں فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آو میں تینوں تکبر دی تاریخ، تکبر دی داستان تے ایدہ خطرناک انجام انہاں چند منٹاں دے اندر سنا جاواں۔ سب تو پہلے روئے زمین تے تکبر اونے کیتا ہے جنوں اپنی عبادتاں دا مان سی، जड़ा बड़ा वड्डा इबादत गुजार सी, दिन वेले भी सजदे, रात वेले भी सजदे, हर वेले सजदे, तस्बीहां तिलावतां जिक्र अज़कार तिलावत नवाफल जारी ने, दिन वेले भी हर पासे अल्लाह पाक दी हमदा सुनावा, हर पासे मुसलमाना हर वेले अल्लाह पाक दी हमदो सुना दे गुण गाए जा रहे। तो जो फरमान वाली गल करना चाहना, अल्लाह पाक ने बाबा आदम नू पैदा फरमाया, तखलीक फरमा दिता है, अल्लाह पाक ने अपने हुक्म नाल रूह फूंक दी है, चलदा फिरदा आदम इंसान बन गया है। माल की कायनात ने फरिश्तियां नू हुक्म जारी कर दिता, मेरे फरिश्तियो फसजुदू ले आदम, मेरे आदम नू सजदा करो।
सारिया फरिश्ता सजदा सजनाब सारे फरिश्तिया ने नूरिया ने सजदा कर लिया रब की गल मन ली है। ये की कहिंदा कहिंदा की है अल्लाह पाक दा कुरान सूरतुल बकरा जना पहला पारा वजाहत फरमांदा जा रहे ना मालकी कायनात ने सूरतुल बकरा दे अंदर चौथी नंबर है तंदर मसला बयान फरमाया है इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन मगर इबलीस ने इनकार कर दिता है मैं इनकार करना मैं सजदा नहीं करना वजह की है अबा वस्तकबरा इनकार भी किया है तकब्बुर भी किया है अपने आप नु उचिया समझिया है अपने आप नु वड्डा समझिया है अपने आप नु आला ते बाला ते जनाब हसबो नसब वाला समझिया है इन्हें रब दियां गल्लां मन्नन तो इनकार कर दिता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर त्रईए पारे दे अंदर सूरह स्वाद दे अंदर एदा सारा अंजाम बयान फरमा दिता है। मुसलमानों जरा गल बड़ी जना प्यार वाली आने लगी है अल्लाह पाक ही फरमा रहे फसजद अल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन सारिया फरिश्ता ने सजदा कर लिया रब दा आर्डर मन लिया रब दा हुक्म मन लिया ना इल्ला इबलीस इस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन इन्हें तकबर किया ए काफरा विचों सी ना अल्लाह पाक ने नू अपनी अदालत दे कटारे दे अंदर खड़ा कर लिया केस लग गया है रब जज ते ए अपने जनाब दावे अंदर दलायल पिया पेश कर दिया हाँ मई तू सजदा क्यों नहीं किया कहिंदा की है मैं सजदा इस वास्ते नहीं की किया मैं ए तू सजदा नहीं किया इस वास्ते नहीं किया अल्लाह की गल का अंदाज अल्लाह फरमांदा है कौल या इबलीस अल्लाह फरमा रहे ने ए इबलीस ए शैतान मनअका अंतसजुदा लिमा खलकतु बियदिया तेनू किस चीज ने मना किया है कि जिन्हू मैं अपने हथा नाल पैदा फरमाया है तू उन्हूं सजदा क्यों नहीं पिया करदा ये कहिंदा की है अस्तकबरता अल्लाह फरमा रहा क्या तू तकब्बुर करना है अम कुंत मिनल आलीन दस दो सवाल ने या तकबर पिया करना या अपने आप नु उचिया विचो समझना है कहिंदा की है कौला आना खैरु मिन्हो मैं एदे तो बेतरा इत्थे ही मौत आ गई आना वला गैरी बस जिथे होवा मैं होवा मेरे तो इलावा कोई ना होए अज भी ऐ आना 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 बंदिया नु मार गई असी कहिंदे ना फलां बंदा बड़ी अना रखदा है ए अना दी इब्तदा उत्थों होई सी आला आना खैरु मिन्हु मैं एदे तो बेहतरा खलकतनी मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन तू इनू मिट्टी चो पैदा फरमाया मैनू अग चो पैदा फरमाया है मिट्टी का कम थले आना है अग दे भांबड़ का कम उचिया जाना है। मुसलमाना इनू ये नहीं सी पता ना भांबड़ भावें जिन्ना भी मचिया होवे एक बाल्टी पानी मच नठिया कर दया कर दी है रब ने फरमाया मेरी दरबार च खड़ा हो जा रब सवाल पे कर रहा है जवाब पे देंदा मुकालमा चल रहा है गुफ्तगू चल रही है कौल फखरुज मिन्हा इफ इन्नका रजीम निकल जा दफा हो जा दूर हो जा गेट अप जनाब मेरी बारगाह चो मेरी जनाब दा अदालत चो निकल जाना फअंजिरनी मुसलमानो जरा तवज्जो फरमाओ ये कहिंदा की है अल्लाह पाक नु कह की रहा है अल्लाह पाक किनू फरमा रहे वा इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन जा क्यामत दे दरो दीवार तक क्यामत दे दिन तक तेरे ते लानता ते फटकारा पेनिया रहन गिया। मुसलमाना पता की चलिया सूरह सात दा खुलासा ए चंद आयात जो मैं तिलावत कीतियां 72 तो लैके 78 तक 23वां पारा इन्हां दा खुलासा सुनो ते ईमान ताजा करो ना बंदे नू मैं मार दिया कर दीए इन्हूं इहदी मैं ने मारिया है आरफ आखण आना खैर हुंदी ते मैं कर बोलन ए आदत बकरियां दी
फिर वांग पशुआ उल्टा करके ते खल उतारी जांदी। इस वास्ते मैं ना करया कर मैं किनू फबदी है वाला हुल किबरिया समावाती वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। बड़ाई अल्लाह पाक नू फबदी है जमीना ते वी ते आसमाना ते वी। ए ते आरजी नंबरदारियां ने, ए ते आरजी स्टेटस ने, आरजी हुस्नो जमाले ना। असल मुसलमाना ए गल्लां किनू फबदियां ने, कर दाए अल्लाह मन जूर आजजी, कर ले तू रब दे हुजूर आजजी। ए जुमलिया ते जरा गौर करना है। कर दाए अल्लाह मंजूर आजजी, कर ले तू रब दे हुजूर आजजी। आकड़ा नहीं करदा, आकड़ा नहीं करदा, आकड़ा नहीं करदा पसंद अल्लाह जी। सब नालों उच्चा ते बुलंद अल्लाह जे, सब नालों उच्चा ते बुलंद अल्लाह जे। आज जी ते बड़ा रजामंद अल्लाह जी, झुक जा तू कर ले जरूर आज जी, झुक जा तू कर ले जरूर आज जी। आकड़ा च बुगजते, आकड़ा च बुगजते अनाद हुंदा जी, झगड़े लड़ाइया नाले फसाद हुंदा जे। आकड़ा च बुगज नाले, आकड़ा च बुगजते अनाद हुंदा जी, झगड़े लड़ाइया ते फसाद हुंदा जी। इन्हां विच बंदा बर्बाद हुंदा जी, देंदा ए सुकून ते सुरूर आज जी, देंदा ए सुकून ते सुरूर आज जी। कर दाए अल्लाह मंजूर आज जी, कर ले तू रब दे हुजूर आज जी। चेते रखी इनू हर पल दोस्तां, कई सियाणियां ने गल दोस्तां, चेते रखी इनू हर पल दोस्तां, कई सियाणियां ने गल दोस्तां। नीवियां नू लगदाई, नीवियां नू लगदाई फल दोस्तां, कर तुम्हें दोस्ता जरूर आज जी। कर लै कर दाए अल्लाह मंजूर आज जी, कर लै तू रब दे हुजूर आज जी। कर दाए अल्लाह मंजूर आज जी, कर ले तू रब दे हुजूर आज जी। शैतान गया आकड़ां दे विच मारिया, शैतान गया आकड़ां दे विच मारिया, रब दे हुजूरों गया दुध कारिया। आदम दा आज जी ने, आदम दा आज जी ने बेड़ा तारिया, कीती जिदों रब दे हुजूर आज जी, जिदों रब दे हुजूर आज जी। कर दाए अल्लाह मंजूर आज जी, कर ले तू रब दे हुजूर आज जी। मुसलमान नजर तवज्जो करी, गौर कर ली, वल हुल किबरिया फिस समावाति वल अर्द वहु वल अज़ीज़ुल हकीम। मुसलमानों गुरूर नहीं करना, तकबर नहीं करना, फखर नहीं करना, मान नहीं करना, नीवियां होके रहना। मैं दोबारा जुमला बोलन लग्या, की करना? नीवियां होके रहना, नीवियां नू रब पसंद कर दाए, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा मा तवादा अहदुन इल्ला लिल्लाही रफाहुल्लाह। जेड़ा रब नू राजी करन वास्ते झुक जांदा है, रब नू उच्चियां कर देंदा है, रब नू उच्चियां कर देंदा है। उच्चे झूला मार दे, नीवे रहन अटल। दोबारा जुमला आ गया, दोबारा बात आ गई। उच्चे झूला मार दे, सरू दा दरख्त वेख लै, उच्चे झूला मार दे, पापूलर दा दरख्त वेख लै, उच्चे झूला मार दे। कदे फल लगदा, लकड़ी भी एडी कारगर कोई नहीं, कदे फल नहीं लगदा। उच्चे झूला मार दे, नीवे रहना टल। जे कुछ लैना ही बंदिया रब कोलो फिर नीवा होके चल, जे कुछ लैना ही बंदिया रब कोलो फिर नीवा होके चल। वल हुल किबरिया
ਹੂੰ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਦੀ ਵਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਗਰੂਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾ ਮਿਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਓ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੁਤਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 9:12 ਸੂਰਤ ਅਲ ਆਰਾਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਲ ਅਲ ਮਲਾਉ ਅਲਦੀਨ ਅਸਤਕਬਰੂ ਮਿਨ ਕੌਮਿਹੀ ਲਨੁਖਰਿਜਨਕਾ ਯਾ ਸ਼ੁਐਬੁ ਵਲਦੀਨ ਆਮਨੂ ਮਾਅਕਾ ਮਿਨ ਕਰੀਅਤਿਨਾ ਔ ਲਤਊਦੁਨ ਫੀ ਮਿਲਤਿਨਾ ਕਾਲ ਅਵਲੌ ਕੁੰਨਾ ਕਾਰਿਹੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਡੇਰੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ੁਐਬ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇ ਸ਼ੁਐਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਮਾ ਛੁਡਾ ਦੇ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਡਾ ਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੁੱਲੀ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਗਰੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮੇ ਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਦੋ ਸਮੂਦ ਇਤਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਨੇ ਤਨੂਮੰਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਨਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੜਾ ਪੂੜਾ ਪਹਾੜੀ ਖੋਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਦਾਇਨੇ ਸਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਰਾਕ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਹੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਤਨੇ ਜਵਾਨ ਇਤਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਲਾਬ ਵੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇਖੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਬੀ ਨੂਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਗਰੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੈਲਾਬ ਵੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇਖੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਏਡਾ ਮਾਨ ਕਰ ਨਾ ਬੰਦਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲਦੇ ਨਵਾਬ ਵੇਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲਦੇ ਨਵਾਬ ਵੇਖੇ ਵਲਹੁਲ ਕਿਬਰੀਆਂ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਦੀ ਵਹੁਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ ਲਓ ਗੱਡੀ ਜਨਾਬ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਮਾਨ
फखर नहीं करना, गुरूर नहीं करना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ मुसलमानों, हजरत नूह अलैहि सलाम ने दुनिया तो जांदियां जांदियां मुसनद अहमद के अंदर एक रवायत मैंने बड़ी प्यारी मिल गई, लो मेरे मजमून का हिस्सा बन गई, रब बरकतां ता फरमाए। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपने बेटे नूं नसीहतां वसीहतां करदियां फरमाया, ऐ मेरे पुत्रा, ऐ मेरे बेटा, दो गल्लां मैं तेनूं हुक्म देण लगा वा, दो कर लई ते दो तो मैं मना करन लगा, यानी दो अमल कर लैणे ने ते दो तो बाद रहना है। अबू जी ओ दो अमल केड़े ने? कहिंदे ने एक ते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूं मजबूती दे नाल थाम लेना, मजबूती दे नाल जनाब शिकंजा मजबूत कर लेना है, क्योंकि सत्ते जमीना सत्ते समान एक पासे, इन्हां च रहण वालियां जनाब जिंदगी गुजारन वालियां मखलूकात एक पासे, कल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह दा पलड़ा भारी होएगा। मेरे बेटा अपनी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह ते कुर्बान कर देना। अबू जी दूसरी गल की है, फरमाया दूसरा कलमा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, ऐ मेरे बेटा ऐ भी वजीफा नहीं छड़ना, ऐ विरद अपनी जिंदगी दा मामूल बना लेना है, अपना वतीरा ते तुर्रे हयात बना लेना है, अपनी जिंदगी दा दस्तूर बना लेना है ना। अबू जी होर की गल है, फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ए सारिया मखलूकात दी नमाज़, सारिया मखलूकात दी नमाज़े इबादत है, इस वजीफे की वजह तो रब सारिया मखलूकों रोजियां बयाता कर दे। अबू जी दो गल्लां हो गईयां, केड़ियां दो बातां ने जिन्हां तो मैनू तुसी मना करके जा रहे हो? मेरे पुत्रा एक तो शिरक नहीं करना, एक रब नाल, सारे बोलो रब नाल शिरक नहीं करना, ते दूजा तकब्बुर नहीं करना। ये दोवें चीज़ां बंदे नूं मार दिया कर दियाँ, गुरूर ते आकड़ मुका दिया कर दियाँ। मुसलमान जरा गल ते गौर करी, तवज्जो फरमाई ना, तकब्बुर दा अंजाम, तकब्बुर का अंजाम जरा बड़ा खतरनाक है। मुस्लिम दे अंदर हदीसे मुबारक मौजूद, इमाम कायनात इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनमा रजुलुन यतबख्तारु, एक दिन एक बंदा जमीन ते चलदा जा रहा है, कपड़े चंगे पाए ने, वाल बड़े सोने ने, वालां दा मांग ते चीर कटदियां कटदियां इनू मान आया है, इनू गुरूर आया अपने लिबास ते, अपने तकबर ते, अपनी ताकत ते, अपने सोन ते, अपने जमाल ते, ए गुरूर अंदर आ गए, एदा बोलना एदा चालना एदा अंदाज रब नूं पसंद नहीं आया। फखसफल्लाहु बिहिल अर्दा वहुवा यतजलजलु फीहा इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह पाक नूं इहदी टोर पसंद ना आई, अल्लाह ने जमीन फटा के इनू जमीन च दनसा दिता, क़ियामत तक दनसदा रहेगा, नसदा रहेगा। तुसा वेख्या नहीं फिरौनिया ने तकबर किया है, रब ने किवें दरियावां दे अंदर गोते दे दे कमारे? तुसा वेख्या नहीं फिरौन दा वजीर मुशीर कारून जेड़ा है, बड़ियां ताकतां वाला, बड़ियां पावरां वाला, बड़ी जनाब कुव्वत वाला है, इनू इलम भी मिलिया, इनू हिलम भी मिलिया, इनू ताकत भी मिली है, दौलत भी बड़ी अल्लाह पाक ने अता फरमाई। रब दा कुरान ही किसवां पारा, सूरह अनकबूत पूरा मसला बयान कर रही है, टाइम नहीं मैं सारी बात पेश करा। मुसलमानों जरा गलते गौर करे, तवज्जो फरमायो, ये कहिंदा की है, जरा गलते गौर करन वाली तवज्जो वाली बात है, बड़ी दिलचस्प बात। मुसलमानों जरा गलते गौर फरमाओ, तवज्जो फरमाओ ना, इनू बड़ा मान है अपनिया दौलतां ते, अल्लाह ने कुरान अंदर दस्या, कुरान वजाहत बयान कर रहा है, इहदे कोल इन्ना माल सी, इन्नियां दौलतां सन, इन्नियां ताकतां सन, इहदे खाली खजानिया दियां चाबियां नूं एक जमात उठाया करदी सी। और कुरान ने लफ्ज़े उस्वा बोले, उस्वा अरबी लुगत दे अंदर 10 तो लैके 40 तक दी तदाद तक बोलिया जांदा है, यानी 10 तो ज्यादा ते 40 तो थल्ले ऊंट, जनाब नौकर खादम, एदे खजानियां दियां सेक्रेटरी जनाब एदे चाबियां थामिया करदे सन। दौलत किन्ना होएगा, मान किन्ना होएगा, इनू लोगों ने समझाया बुझाया सुलझाया, वह बंदा बन जा, मान ना करिया कर, गुरूर ना करिया कर, तकबर ना करिया कर, फकर ना करिया कर। ये कहिंदा है ये जग मिठा ते अगला किस जिठा, जदों अगे जावांगे वेखियां जाणगियां। कौल इन्नमा
तू अला इल्म इंदी ऐ सारा कुछ ते मेरे फन ते मेरे इलम दी वजह तो मिले आए इस वास्ते मैं पैगाम देवांगा आवाज ते मान नहीं अंदाज ते मान नहीं इलम भी अल्लाह पाक दे आवाज भी अल्लाह पाक दी अता है अंदाज भी अल्लाह पाक दी अता है जेड़े मेरे वीर इलम ते मान कर दे दौलत ते मान कर दे रब नू एदी अंदाजे दा बोलना ते चालना पसंद नहीं आया मुसलमानो जरा गल ते गौर फरमाओ तवज्जो फरमाओ ना अल्लाह फरमा रहे फकुल्लन अखदना हाँ पिछली आए सुनो ना मालिक कायनात ने 39 नंबर आयत अंदर फरमाया सूरह अनकबूत ने फस्तकबरू फिल अर्जी वकब मा कानू साबिकीन करून फिरौन हमान दा नाम लेके अल्लाह पाक ने 39 नंबर आयत अंदर फरमाया है इना सारे मान कीता फखर कीता गुरूर कीता तकबर कीता है रब नू इना दियां अदावां इना दा तर्ज जिंदगी पसंद नहीं आया अल्लाह फरमांदा है जिन्ने मर्जी वड्डे सन मेरे तो अगे नहीं जा सकते जिवें अल्लाह पाक ने सूरह रहमान 27वें पारे दे अंदर सारी कायनात दे जिन्ना ते इंसाना दी जमातां नू मुखातब करदिआं फरमाया या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन नक्तारिस समावाति वल अर्द ला तन्फुजूना इल्ला बिसुल्तान जिन्नो ते इंसान दी जमातो नस लो दौड़ कर लो जिन्या मर्जी स्पीडा मार लो जमीन ते समान दे किनारियां तो अगे जा सकदे एवें अल्लाह पाक ने नानू भी जमीन दे अंदर दनसा के मारिया है कारून नू एदे दरां जनाब रिहायश दे महल समेत एदे खजानिया सेद समेत रब ने जमीन नू फाड़िया इनू जमीन दे अंदर दनसा के एदा घर भी एदे उते एदे खजाने भी एदे उते मेरे पाक नबी ने फरमाया इनू अजाब क्यामत दे दरो दीवार तक हुंदा रहेगा तकबुर दी वजह तो तकबर दी वजह तो वाला हुल की बरिया फिर समावती वल अरुदी वहु वल्लजी जुल हकीम आखिरी बात मेरा सलाम इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बद किस्मत तीन बद वक्त बंदे इन्ने बुरे ने सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल कियामत वला युज़क्कीहिम वला यन्ज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम आपने फरमाया तीन बंदे ने इन्हां नाल अल्लाह कलाम नहीं करेगा इन्हां नूं अल्लाह गुनाहां तो पाक नहीं करेगा इन्हां नूं तिन्नां बंदियां नूं अल्लाह दर्दनाक अज़ाब दे अंदर जनाब फेंक देवेगा महबूब जी तीन बंदे केड़े ने आपने फरमाया शेखुन जानिन बढ़ापे दी उम्र अंदर जनाब शादी शुदा होने दे बावजूद बीवी मौजूद है ते बुढ़ा होके जिना पिया करदा फिरदा है इनू बड़ा दर्दनाक अजाब होएगा दूसरा महबूब ने फरमाया मलिकुन कज़्ज़ाबुन झूठ बोल के अपनी रियाया ते जुल्म करने वाले हुक्मरान इन्हां नू बड़ा दर्दनाक अजाब होएगा वा आइलुन मुस्तकबिरुन महबूब ने फरमाया गुरबत के बावजूद भी आकड़ रखन वाला है फकीर आकड़ बड़ी रखदा गुरूर बड़ा करदा मान बड़ा रखदा है आपने फरमाया इन तिन्ना बंदियां नू बड़ा सख्त अजाब होएगा आओ मुसलमानों तवज्जो फरमाना उच्चे चूला मार दे नीवे रहना टल जे कुछ लेना ही बंदिया रब कोलों नीवा होके चल की मान बेगानी चीज उते हर कदम संभल के चा बंदिया हकीमान बेगानी चीज उते हर कदम संभल के चा बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद भुला बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद भुला बंदिया ऐ
गाफिल मौत भुला बैठाई दिल दुनिया नाल तू ला बैठाए इस दुनिया ना तेरे कम आवना कीती दुनिया कदों वफा सजना कीती दुनिया कदों सवफा सजना की जोड़ अमीर गरीबां दी मिलदे कफन वी नाल नसीबां दे की जोड़ अमीर गरीबां दी मिलदे कफन वी नाल नसीबां दे जिन्ना कपड़े च तेरा सा मुकना ए कपड़े वी लैसन ला बंदिया की मान बेगानी चीज उते हर कदम संभल के चा बंदिया मुसलमानों गुरूर नहीं करना दौलत दा गुरूर अदाल जनाब रुतबे दा गुरूर बरादरी दा गुरूर जमीन दा गुरूर औलाद दा गुरूर इलम दा तकबर बंदे नू मार दिया कर दे अपनी उचम ना बनाया कर तू रब वास्ते झुक जा रब तेनू सारी कायनात ऊंचियां शाना ते इज्जत फरमाएगा वलहुल किबरिया في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حيات باقي ملاقات باقي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.